बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वेट चैनल की अनोखी क्विज पार्ट 66 में। लेट्स प्ले जीके क्विज 66। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन बी सुनंदा भंडारे, ऑप्शन सी फातिमा बीवी या ऑप्शन डी लीला सेठ। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फातिमा बीवी। आपको बता दें फातिमा बीवी एम फातिमा बीवी भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। 1989 में ट्रिब्यूनल को नियुक्त किया गया। वह भारत की सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी और देश में किसी भी उच्च न्यायपालिका को नियुक्त करने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी कोंकणी या ऑप्शन डी नेपाली। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी भोजपुरी। आपको बता दें 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषा 8वीं अनुसूची में आती हैं जिसमें कि भोजपुरी का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल मॉन्स्टर के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर या ऑप्शन डी विनोद कांबली। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। आपको बता दें लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जी को जाना जाता है कि सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस के खेल का मैदान किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टेनिस मैदान, ऑप्शन बी लॉन, ऑप्शन सी कोर्ट या ऑप्शन डी लॉन टेनिस। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोर्ट। आपको बता दें एक ग्रास कोर्ट टेनिस कोर्ट के 4 अलग अलग प्रकारों में से एक है जिस पर टेनिस का खेल मूल रूप से लॉन टेनिस के नाम से जाना जाता है। टूर्नामेंट के आधार पर ग्रास कोर्ट विभिन्न रचनाओं में घास से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का आरोही क्रम है? ऑप्शन ए यूएसए भारत चीन, ऑप्शन बी यूएसए ब्राजील भारत, ऑप्शन सी यूएसए रूस भारत ये ऑप्शन डी यूएसए जापान भारत। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूएसए इंडिया चाइना। विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का आबरूई क्रम यूएसए इंडिया और चाइना है जबकि चौथे और पांचवें नंबर पर आते हैं ब्राजील और रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बृहस्पति में, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी वरुण। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मून। चंद्रमा पर शांत समुद्र और तूफानों का महासागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी चौथा या ऑप्शन डी सातवां। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फोर्थ यानी चौथा। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई के अनुसार विश्व में चौथा स्थान है। आपको बता दें भारतीय रेलवे IR रेल मंत्रालय द्वारा संचालित भारत को राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है। यह 67,368 किलोमीटर यानी 41,861 मील मार्ग पर कुल ट्रैक के 121,407 किलोमीटर के साथ के आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी तापी। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नर्मदा। आपको बता दें सरदार सरोवर बांध भारत के गुजरात के नवगम के पास नर्मदा नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिनी राय किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी शिल्पकला में या ऑप्शन डी बांसुरी में। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पेंटर।
यानी जामिनी राय चित्रकला में प्रसिद्ध थे। आपको बता दें 1954 में पद्म भूषण के राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह रविंद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थियों में से एक थे, जिनकी कलात्मक मौलिकता और भारत में आधुनिक कला के लिए प्रसिद्ध थे। तो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। उस क्वेश्चन का जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फाइंड द मिसिंग करेक्टर क्विज 65 की तरह ये भी एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक मिसिंग करेक्टर बताना होगा इस पजल का। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी एक्स या ऑप्शन डी डी। आपको इस क्वेश्चन का जवाब हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्यू 65 के 10वें क्वेश्चन का आंसर W था। अगर आप पे ये नहीं बनता है तो हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। क्विज खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की एक क्विज सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे खेलना, तो लर्नवेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हर नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सके। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब हर बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह क्विज से कुछ जानकारी मिली हो और ये पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।